भारतीय जनता पार्टी का तीन क्षेत्रों का यहाँ पर विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग था इस कार्यक्रम में, और विकसित भारत मेरा संकल्प यह भी एक कार्यक्रम है। विभाग के अधिकारियों को कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ एक ग्राम चौपाल का अभियान चल रहा था, 30 दिसंबर को उसके एक वर्ष पूरे होंगे, तो एक दिन जो चौपाल इस बार की लगेगी 29 दिसंबर को, वो विशेष चौपाल लगेगी, और 30 दिसंबर को स्वच्छता का एक विशेष अभियान, 29 को स्वच्छता, 30 को चौपाल, यह बड़े पैमाने पर करने का निर्देश दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश को सभी केंद्रीय योजनाएं जितनी भी हैं वो गांव गरीब किसान तक पहुंचाने का काम, महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से काम यह करने का कार्य कर रहे हैं। आज 6 दिसंबर है, भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब जी की पुण्यतिथि है, उनको नमन करता हूं। साथ ही आज 6 दिसंबर 1992 की भी याद आती है, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को ही अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर जो कलंकित ढांचा था उसको ढहाने का दिन है, और आज शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन अब तो 22 जनवरी का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का। देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में जहां 2018 में हम लोग हार गए थे, तीनों राज्य प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं, और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की गारंटी का कमाल है। उनकी गारंटी को जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला है, उससे हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार से मोदी जी के मन में भारत है, वैसे भारतवासियों के मन में मोदी जी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन, उसको गठबंधन कहूँ कि ठगबंधन, जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों के तमाम नेताओं का एक गैंग बन करके रह गया है, और वह माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने से रोकने में सफल नहीं होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2019 में हम 300 पार थे, 2024 में 400 पार भी हों तो कोई असर नहीं होना। धन्यवाद सर। बनारस में एक प्रोग्राम में अखिलेश जी ने कहा है कि परिणाम आ गए हैं, कांग्रेस का बिना नाम लिए अहंकार भी खत्म हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अहंकार तो कांग्रेस का भी खत्म होना चाहिए और अखिलेश यादव जी का भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि अहंकार तो उनको भी बहुत है। तो हम लोग को 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। अखिलेश जी कांग्रेस के लिए क्या कह रहे हैं, कांग्रेस अखिलेश जी के लिए क्या कह रही, इससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल, ये चारों मिलकर के हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे, फिर भी हमने उत्तर प्रदेश में 51% वोट प्राप्त किया था, 64 सीटें जीते थे, और इस बार तो हम लोग 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जीतेंगे। राहुल गांधी जी को लेकर के सर एक बयान आया है कि अभी तक तो राहुल गांधी युवराज थे, लेकिन जिस तरीके से हारे हैं चुनाव, यमराज बन गए हैं, क्या कहना है सर? देखिए, मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, यह भाषा उन्हीं को बोलने दीजिए, कांग्रेस के लोगों को। हमारी ओर से इतना ही कहना है कि कांग्रेस हो या भाजपा विरोधी कोई भी दल हो और कोई भी नेता हो, हम किसी के प्रति अनादर पूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, सबके प्रति व्यक्तिगत तौर से आदर करते हैं। हमारी विचारधारा सबसे अच्छी विचारधारा है, हमारी नीतियाँ सबसे अच्छी नीतियाँ हैं, हमने जो वादा किया जनता से उसको पूरा किया है, हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, और कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार इतना होता था कि 100 रुपया में से 15 रुपया पहुँचता था लोगों के पास, 85 रुपया ये सब खा जाते थे। समाजवादी पार्टी के समय गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, आज गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से ख़त्म करने का काम हुआ है। सपा की सरकार के समय बिजली आती नहीं थी, भाजपा की सरकार के समय बिजली जाती नहीं। हमारी सरकार जो सुशासन का वादा, विकास का वादा, गरीब कल्याण का वादा, किसान उत्थान का वादा, महिला सशक्तिकरण का वादा, यह सारे वादे पूरा करने का काम कर रही है। एक और सब सवाल है गौमूत्र को लेकर के, कहा गया है कि सनातन को लेकर के भाजपा केवल गौमूत्र वाले राज्यों में ही जीत सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को जीतेगी,
और लगातार हम लोग जीत भी रहे हैं। आज 18 राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, और जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं वह दिन दूर नहीं है जब तमिलनाडु, केरल और आंध्र में भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। करणी सेना के प्रमुख की हत्या कर दी गई, करणी प्रमुख की हत्या कर दी गई, वो दुखद है। मैं इस प्रकार की जो घटना हुई है उसकी निंदा करता हूँ, उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करता हूँ। और अभी चूंकि कांग्रेस वहाँ पर सरकार में थी और अभी हमारी सरकार ने शपथ नहीं लिया और यह इस तरह की घटना हो जाना, ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी और जो भी हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन घटना जो हुई है वो दुखदाई है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।